नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की ट्रेन की गेट पर खड़ी रहती है, तभी सामने से एक दूसरी ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद लड़की का संतुलन बिगड़ता है और लड़की नीचे गिरने लगती है। तभी पास में खड़ा लड़का उस लड़की को पकड़ लेता है। दरअसल ये लड़की मुंब्रा के सम्राट नगर की रहने वाली है। ये लड़की करीब एक साल पहले लापता हो गई थी, जिसकी कंप्लेन मुंब्रा पुलिस में लड़की की मां उमा अशोक भोसले ने 19/6/2017 को दर्ज कराई थी। इस लड़की का नाम सोनाली अशोक भोसले 16 वर्षीय है। 19/6/2017 में उमा अशोक भोसले नाम के महिला ने उनकी बेटी उम्र 15.5 साल ए लापता होने की वजह से हमारे पास पुलिस कंप्लेंट दे दी। उसके आईपीसी 6363 के मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद उसकी जांच एपीआई करे साफ कर रहे थे। कल एक लड़की रेलवे स्टैंड करते टाइम उसके कैमरे में किसी ने उसका वीडियो क्लिप बनाया। सोशल मीडिया में जो लड़की और हमारे पास जो कंप्लेंट दिया उसी का और वो लड़की का फ़ोटो में जो फ़ोटो था तो उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा था। तभी भी इंडिया टीवी के जो पत्रकार है उन्होंने हमारे को इन्फॉर्म किया कि वही लड़की है जो आपके इधर 2017 में कंप्लेंट दर्ज है। उसके माने जो तो कंप्लेंट दिया तो उसी से हमारे एपीआई करे साहब ने उसकी जांच की, वही लड़की निकली। ये लड़की को थाना रेलवे पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में रखा था। उसके बाद जाके देखा तो वही लड़की थी। तो उसने अभी वो हमारे पास उसके माँ के साथ जाके उसको लेके आए और उनके माँ ने उसको लड़की को पहचाना और वही जो गुमशुदा लड़की थी तो वही उसकी उसका नाम है सोनाली अशोक भोसले। कि इसके पहले भी दो टाइम जो और अग्रीबाड़ा पुलिस स्टेशन मुंबई में रहते थे वहाँ भी इसके पहले इसके दो केसेस ऐसा रजिस्टर है भाग के जाने का वगैरह। तो उसके बाद वो वापस घर पे आई, पुलिस ने लाए और उसके बाद अभी ये हो गया। ये मसले में जो इंडी पत्रकार लोगों ने हमारे को जो सर कोऑपरेशन इमीडिएटली मालूम दी है उसके जरिए हमने उसको तुरंत हमने ले लिया और उसकी माँ को लेने को सफल हो गए। मगर इस लोकल ट्रेन की वीडियो सामने आने के बाद एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने मुंब्रा पुलिस से संपर्क कर इस लड़की की जानकारी दी, जिसके बाद एपीआई नीलेश खरे ने जांच की तो वही लड़की थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर ने बताया, ये लड़की मुंबई में भी रहने के दौरान दो बार घर से लापता हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट मुंबई के आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। हालांकि लड़की को अभी माँ को सौंप दिया गया है और आगे की जांच एपीआई नीलेश खरे कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।